वेलकम गाइस, आज हम देखने वालेंगे क्लिक टू कॉपी। आपने ये शायद बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रायल देख रहे, तो यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई बेस्ट टेक्स्ट, और अभी अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो ये कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। और एक बार कॉपी करके देखता हूँ, दिस इज माई बेस्ट टेक्स्ट टू, कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया, तो हटा देते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, कॉपी हो गई। इसको हम दो टाइप से करेंगे, एक तो इनपुट से हम कॉपी करेंगे और दूसरा कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट के टेक्स्ट से कॉपी करेंगे। तो एग्जांपल लिए हम दिखा देते हैं आप इसको कहाँ का भी यूज़ होता है। जैसे हम एग्जाम्पल आगे बूटस्ट्रैप के आइकन की वेबसाइट पे, यहाँ पे अगर आप किसी भी आइकन पर क्लिक करोगे तो इसका जो टैग है उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक कॉपी टैग है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं मेरा VS कोड ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे HTML का बॉलर प्रिंट और बूटस्ट्रैप का सीडन लिंक ऐड करके रखा हूँ पहले से, जस्ट फॉर स्टाइलिंग पर्पस। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर से। तो मेरा ओपन हो गया और यहाँ पे हमारा कोड स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक इनपुट टैग ले लेता हूँ, इसको एक ID दे देते हैं इनपुट, और इसको एक क्लास भी देते हैं फॉर्म कंट्रोल, जो एक बूटस्ट्रैप का क्लास है इनपुट के लिए, जो इनपुट को स्टाइल कर देता है, और मार्जिन बटन दे देते हैं दो, और ये भी प्लेस होल्डर पे लिख देते हैं एंटर योर टेक्स्ट। और यहाँ पे एक बटन ऐड करते हैं btn.btn.btn प्राइमर, और यहाँ पे लिखते हैं क्लिक, और btn को भी एक आईडी दे देते हैं बटन को btn। ओके, तो इसको देखते हैं पहले, हाँ ठीक ठाक ही आया है। और अभी इसको हम लिखेंगे, तो इसके लिए मैंने jQuery का यूज़ किया है। आप चाहे तो प्योर जावास्क्रिप्ट से भी लिख सकते हैं। तो jQuery के लिए मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा हूँ बॉयलर पे VS कोड में। आप jQuery का CDN jQuery की वेबसाइट से उठा सकते हैं, और ये jQuery का एक बॉयलर प्लेट है VBS से। तो इस यहाँ पे मैंने पहले बटन के क्लिक फंक्शन लिखते हैं, बटन को ID से ले लिया और यहाँ पे क्लिक इवेंट लगा दिया। तो जब भी क्लिक इवेंट फायर होएगा तब हमारा टेक्स्ट कॉपी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट को भी सिलेक्ट करेंगे, इनपुट को भी आईडी से सिलेक्ट कर लिया, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इनपुट को सिलेक्ट कर लेंगे, और अभी लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट एग्जैक्ट कमेंट, और इसके अंदर हम लिख देंगे कॉपी। जस्ट हो गया, इतना सा ही कोड था, इतना ही आसान था। तो अभी लिखते हैं बीटा बी, अभी क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो गया, कॉपी भी हो गया। नेक्स्ट ट्राई करते हैं तो यहाँ पे आ गया। तो इतना ही आसान था पहले वाला मेथड। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, और दूसरा एक फाइल के अंदर पेस्ट कर देते हैं और इसका जो है क्लिक कॉपी टू कर देते हैं, और इसको VS कोड से ओपन कर लेते हैं। तो आ गया, तो इसको अभी तो हम दूसरे टाइप से क्यों कर रहे हैं। अगर आपका कोई UI में अगर चेंज में अगर इनपुट टैग नहीं रहा, दूसरा कुछ टेक्स्ट रहा, अगर आपको पकड़ लो आपका वेबसाइट में आप जिस चीज़ को कॉपी करना चाह रहे हो वो P टैग के अंदर है या फिर दूसरे कुछ एलिमेंट के HTML एलिमेंट के अंदर है, तब आप कैसे, तब पहले वाला मेथड काम नहीं करेगा। एक बार देख लेते हैं, दिस इज माई टेक्स्ट, और इसका जो आईडी है वो पहले वाला आईडी ही दे देते हैं। तो
और यहाँ पे एक लॉक लगा देते हैं जिससे हमें पता चले कि बटन क्लिक हुआ है कंसोल पे। तो ये आ गया। तो नॉर्मली जनरली हमें क्या चाहिए कि जब ये हमें बटन क्लिक करके तो हमें ये वाला टेक्स्ट कॉपी होना चाहिए, तो ये क्लिक करते, क्लिक हो गया, लेकिन कॉपी हुआ क्या देखते, कंट्रोल वी करके कॉपी नहीं हुआ, क्लिक हो रहा है लेकिन कॉपी नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम थोड़ा अलग से कोड लेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस इनपुट का जो है इनपुट को हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लेते, लेट टेक्स्ट वेरिएबल लेते, इसको इक्वल टू देखें, और इसका जो इनर टेक्स्ट हम वो लेंगे, एचटीएमएल ले लेंगे, इनर टेक्स्ट हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, टेक्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं लॉक करके, दिस इज टेक्स्ट करके चेक कर लेते हैं। क्लिक किया, देखो टेक्स्ट करके आ गया, मतलब ये वाला जो इनर टेक्स्ट है वो टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर आ गया। देन हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, देन एक टेम्पोररी इनपुट क्रिएट करेंगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, लेट टेम्प INP, और यहाँ पे टेम्पोररी इनपुट टैग क्रिएट कर लेते हैं, इनपुट टैग क्रिएट कर लेते हैं, देन इसको हम बॉडी टैग के अंदर अपेंड करेंगे। अपेंड, इस इनपुट को हम बॉडी टैग के अंदर अपेंड करिया है, और इस इनपुट का जो वैल्यू है वो हम एक टेक्स्ट का वैल्यू के साथ सेट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो टेम्प इनपुट है उसका जो वैल रहेगा, मतलब वैल्यू, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट डाल देंगे, और पहले वाले की तरह इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया, देन जो पहला कमेंट था क्लिक कॉपी, ये वाला कॉपी कर लिया, तो फिर इसको चेक करते हैं। तो वाला हटा देते पहले, तो कॉपी किया, देखो आ गया, तो कॉपी हो रहा है, लेकिन इनपुट टैग भी हटाना है जो आ रहा है टेम्पररी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये अभी इनपुट टैग क्रिएट किए थे उसको हम क्या करेंगे, इनपुट डॉट रिमूव कर देंगे, जिससे इनपुट टैग हट जाएगा। तो कॉपी किया, ये हटा देता हूँ पहले, क्लिक किया, क्लिक किया, तो कॉपी हो रहा है। तो ये पहले दूसरा कुछ टेक्स्ट लिख के देख रहे, दिस इज माई न्यूएस्ट टेक्स्ट एवर, ये करके देखते आ गया, इसको कॉपी करते और इसको दे देते यहाँ पे, देखो आ गया यहाँ पे। तो आपको पता चल गया होगा शायद कहाँ पे आपका कौन सा फंक्शन कौन सा टाइप से लिखना है। और यहाँ पे हम एक चीज और करके देखेंगे, अभी जो हम पहले वाले एग्जाम्पल में देखे थे, जब क्लिक करते तो कॉपी का जो आइकन चेंज होता है उसको करके देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप के आइकन चले जाएंगे, बूटस्ट्रैप आइकन लेंगे हम इसके लिए, तो बूटस्ट्रैप के आइकन के जो है आइकन डॉट बूटस्ट्रैप, इसके वेबसाइट पे आ जाएंगे, और यहाँ से एक आइकन सिलेक्ट कर लेंगे क्लिपबोर्ड, तो ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, देखो यहाँ पर भी है क्लिपबोर्ड, जब भी हम क्लिक करेंगे इसको राइट होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जो क्लिक हटा के हम इसके अंदर दे देंगे, ओके। और एक आइकन लेंगे क्लिपबोर्ड का ही, जहाँ पे टिक लगा हुआ होगा, टिक लगा हुआ है इस पर, क्योंकि इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको अभी के लिए
यहाँ पे पेस्ट करके रख देते हैं। तो हम जो लॉजिक लिखेंगे, जब भी हमारा क्लिक हो जाए, कॉपीड हो जाए, तो यहाँ पे चेक आना चाहिए। तो पहले तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे नॉर्मल वाला, तो ऐसा आना चाहिए। तो यू क्यों नहीं आया? ओके, हमें आइकन का सीडिंग लिंक भी लगाना होगा, जिसके लिए हम इसका इंस्टॉल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और इसका जो सीडिंग लिंक है उसको कॉपी कर लेंगे। बहुत जगह है क्लिक टू कॉपी वाला फंक्शन, आप इसको अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो कॉपी कर लिया हमने, देन आ गया। तो हम जब भी क्लिक होगा, तो क्लिक होने के बाद ये क्लिक होना चाहिए, मतलब चेक होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बटन है पीटीएन का बीटीएन, तो हम इसका जो इनर एचटीएमएल है वो चेंज कर देंगे। तो पीटीएन के इनर एचटीएमएल के लिए, क्योंकि हम बटन के अंदर ही है, तो इसके लिए हम इस सिलेक्ट करेंगे डॉलर दर 30 से सिलेक्ट करेंगे, और इसका जो एचटीएमएल है उसको हम ये कर देंगे, इससे आ जाएगा। तो चेक करते हैं, तो हो गया, हमारा टेक्स्ट भी कॉपी हो गया और चेक भी आ गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, यूजफुल लगा होगा। तो आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए।